सेवन मंथ में प्रेगनेंसी केयर कैसे करनी चाहिए क्या मुश्किल आपको झेलनी पड़ती हैं और उनमें सोल्यूशन कैसा होना चाहिए आपके पास हेलो एंड वेलकम अगेन टू आई एम डाइटिशियन एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम लाइफस्टाइल टिप्स फॉर सेवन मंथ प्रेगनेंसी केयर मंथ बिगिन होना यानी कि आप थर्ड सेमेस्टर में एंटर कर रहे हो और बहुत ही एक्साइटिंग होता है और आप काफ़ी एक्सपीरियंस कर पाते हो अपने बेबी के मूवमेंट्स को तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब सेवन मंथ ऑनवर्ड्स आपको ट्रैवल नहीं करने सात साढ़े सात महीने तक आप ट्रैवल कर लीजिए जो भी सेफ हो लेकिन उसके बाद आपको ट्रैवल से बचना है आपको एक स्टेशन पे फिक्स होना पड़ेगा चाहे आप मम्मी के घर जाएँ तो आप मम्मी के घर चले जाइए चाहे आप अपने ससुराल में हैं हस्बैंड के साथ हैं पोस्टिंग पे हैं कहीं पर भी हैं एक जगह आप स्टेबल हो जाइए और वहीं पे जहाँ आपको डिलीवरी करानी है जहाँ आपके मेडिकल एड वगैरह है हॉस्पिटल है वहाँ आपको स्टेबल हो जाना है ज़्यादा ट्रैवल करने से क्या होगा चाहे आप सिटी के अंदर करते हो, लोकली करते हो, इससे आपके ब्लैडर पर यूट्रस पर बहुत प्रेशर पड़ता है क्योंकि आप ज़्यादा देर तक घंटों घंटों बैठे रहते हो कार के अंदर भी तो इसलिए ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए आपको दूसरी चीज़ है कि हैवी जो भी वर्क होता है आपको नहीं करना है चाहे पानी का कलश उठाना है चाहे सामान हल्का फुल्का खिसकाना है या बहुत ज़्यादा झुक झाड़ू लगाना है कुछ इस तरीके की चीज़ें अब चाहे स्पोर्ट्स हो गेम खेलना हो चाहे वॉक हो तो वो आपको हैवी कोई भी वर्क नहीं करना है आप पोछा लगा सकते हो बैठकर झुककर कोई काम नहीं कर सकते बैठकर कर सकते हो लेकिन जब तक आपकी बॉडी कंफर्टेबल है तब तक जैसे ही आपको डिसकंफर्ट लगे सांस लेने में तकलीफ या हार्ट रेट बढ़ जाए वो काम रोक देना है और रेस्ट करना है थर्डिस्टर में एंटर हो चुके हो अब आप अब आपको डिस्कम्फर्ट बढ़ सकते हैं इसीलिए हर दिन एक्सरसाइज कीजिए हर दिन किसी एक्सपर्ट की निगरानी में गाइडेंस में आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए क्योंकि आपकी सेफ डिलीवरी सेफ रिकवरी फ़ास्ट पोस्टमार्टम रिकवरी बच्चे की हेल्थ और डिस्कम्फर्ट सब चीज़ से छुटकारा दिला देता है इस मंथ से धीरे धीरे थर्ड ट्रेमेस्टर में जब आप एंटर करते हो तो चेहरे पे एक थकान एक इरिटेबिलिटी कई फीमेल्स को हो जाती है तो इसके लिए आप रिलैक्सेशन का टाइम ज़रूर निकालें दिन में ज़रूर रेस्ट कीजिए और आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं सेवन मंथ ऑनवर्ड ब्रेस्ट साइज में चेंजेस होना बिगर होना या डिस्चार्ज होना कॉमन है क्योंकि आपकी ग्लैंड रेडी हो रही हैं बच्चे को फीड कराने के लिए सो so इसकी चिंता ना करें आप हाइजीन मेंटेन करें फॉल्स लिबो पेन जिसको कि ब्रिक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं ये आपको एक्सपीरियंस हो सकता है इसीलिए आप इसकी पूरी जानकारी रखें फॉल्स लेबर पेन कई बार आपको फील होगा जिसमें कि पेट एकदम टाइट हो जाता है और आप अनइजी फील करते हैं सो फ्रेंड्स टेक केयर योर सेल्फ ईट हेल्दी स्टे हेल्दी